मेरा नाम अकबर तेजानी है और मैं एक प्रोफेशनल फाइनेंशियल एंड टैक्स कंसल्टेंट हूँ। आज की इस वीडियो का मकसद, जैसा कि आप सब जानते हैं कि टैक्स फाइलिंग सीज़न है, हर साल जब आपका फाइनेंशियल ईयर या टैक्स ईयर एंड होता है, यानी कि फ्रॉम 1 जुलाई टिल 30 जून जो आपका एक टैक्स ईयर कॉन्स्टिट्यूट होता है, उसके बाद आपको विद इन 3 मंथ्स ऑफ द एंड ऑफ टैक्स ईयर टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है, जो कि 30 सितंबर तक होता है, जो स्टैंडर्ड एक इसका एक डेडलाइन होती है टैक्स फाइल करने की। तो जैसे ही ये सीज़न करीब आता है, 30 सितंबर की डेडलाइन करीब आती है, तो लोग टैक्स फाइलिंग के हवाले से परेशान होते हैं और अक्सर लोग इस हवाले से भी यही सोच रहे होते हैं कि जी टैक्स फाइल करना है या नहीं करना है, और अगर क्यों करना है। अगर अक्सर लोगों को पुश किया जाता है या पर्सुएट किया जाता है कि जी आप फाइल करें, तो लोग उस हवाले से यही सोच रहे होते हैं कि जी मुझे क्या फ़ायदा है। तो इस वीडियो से हम आज कोशिश करेंगे, सबसे पहले मैं इस चीज़ को हाईलाइट करने की कोशिश करूँगा कि हम इसके जो बेनिफिट्स हैं फाइलिंग के या नॉन फाइलिंग के, जो नुकसान हैं उसको थोड़ा डिस्कस करें, और उसके बाद थोड़ा सा हम देखेंगे कि किन लोगों को फ़ाइल करना ज़रूरी है और कुछ डिफरेंट केसेस में उनके लिए क्या सजेशंस हैं, किस तरीके से वो बेहतर तौर पे टैक्स फाइलिंग कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि टैक्स जो है वो दो तरह की एक्टिविटीज़ पे आप पे यूजुअली एट सोर्स कट रहा होता है, एक इनकम पे और एक कुछ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हैं तो आपकी सैलरी पे ऑलरेडी टैक्स कट जाता है, जबकि अगर आप की कोई और ऐसी एक्टिविटी है, लेट से आप घर खरीदते हैं या गाड़ी खरीदते हैं, तो आपके ऊपर एडवांस टैक्स कलेक्ट कर लिया जाता है, जो कि ऑल्दो एडवांस टैक्स है लेकिन उसका आपकी इनकम से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट की इसमें इंटेंशन ये होती है कि जी जब आप अगर इस तरह की कोई सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो यकीनन आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटी है, उस पर टैक्स आपसे कलेक्ट कर लेते हैं, और उस पर आपके लिए ये होता है रिक्वायर्ड कि उसको आप अपनी सब्सिक्वेंटली टैक्स फाइलिंग के वक्त उसको एडजस्ट करा लें। तो जो लोग फाइलिंग नहीं करते, उनके केस में सबसे बड़ा जो नुकसान है वो यही हो जाता है कि वो डबल टैक्सेशन आ जाता है, यानी कि अगर आपकी प्रॉपर्टी परचेज पे या सेल पे 1% एक टैक्स एप्लीकेबल है या 2% है, तो वो डबल होके 2% और 4% हो जाता है रिस्पेक्टिवली। इसी तरह जब आप गाड़ी खरीदते हैं तो छोटी से छोटी गाड़ी पे भी आपको टैक्स पे करना पड़ता है एडवांस टैक्स, जो कि आपकी इनकम पे एप्लीकेबल नहीं है लेकिन वो आपको पे करना पड़ेगा। और अगर इवन इफ़ यू आर अ नॉन फाइलर, आपने टैक्स पे कर भी दिया डबल, उसके बाद भी अगर आप फाइलिंग कर लेते हैं, तो ये तमाम का तमाम टैक्स, चाहे वो डबल लगाओ या अदरवाइज रूटीन में जो स्टैंडर्ड एप्लीकेबल टैक्स है, वो तमाम का तमाम आप एडजस्ट कर सकते हैं। या फिर अगर आपकी ऐसी एक्टिविटी है जिस पे टैक्स लग चुका है या ऑलरेडी टैक्स एप्लीकेबल ही नहीं है, तो इसको आप FBR से रिफंड भी ले सकते हैं। तो नंबर वन इस वक्त जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ पर आपका टैक्स लग रहा होता है। इसकी एक और एग्जाम्पल जो है आज की तारीख में यूटिलिटी बिल्स है। आपका अगर जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ रहा है, अगर वो 25,000 से ऊपर है, तो उसमें नॉन फाइलर के केस में एक एडवांस टैक्स कलेक्ट कर लिया जाता है। इसी तरह जो आप मोबाइल बिल्स में अपने टॉपअप करवाते हैं, उस पर भी जो है कुछ ना कुछ टैक्स कट रहा होता है, जो कि आपकी मोबाइल कंपनी से अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो वो आपको साल के आखिर में प्रोवाइड कर देंगे। तो ये तमाम चीज़ें आप उसी वक्त एडजस्ट करवा सकते हैं जब आप फाइलर हों। सिमिलरली बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो कि नॉर्मली एट सोर्स, जैसे कि मैंने बात की सैलरी इंडिविजुअल हैं, तो उसके केस में तो जो स्टैंडर्ड टैक्स एप्लीकेबल है वही कटता है। लेकिन बहुत सारी एक्टिविटीज़ को गवर्नमेंट एक स्पेशल स्केड्यूल में लेके आ गई है, जिसके तहत अगर उन एक्टिविटीज़ पे टैक्स एप्लीकेबल है और आपका नाम एक्टिव टैक्स फाइलर लिस्ट में नहीं है, तो फिर आपको जो है वो उस केस में डबल टैक्स पे करना होगा। मिसाल के तौर पर अगर आपके प्रॉफिट ऑन बैंक डिपॉजिट मिल रहा है, कोई आपने नेशनल सेविंग्स में कोई इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, तो उनके ऊपर स्टैंडर्ड टैक्स रेट 15% है। लेकिन अगर आपका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं है, ATL लिस्ट जिसको कहते हैं, तो फिर आपसे 30% टैक्स बैंक या जो नेशनल सेविंग का इदारा है वो आपका डिडक्ट कर लेगा। इसी तरह अगर आपने म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की हुई है, उस पर डिविडेंड आ रहा है या कैपिटल गेन आ रहा है, तो उसमें भी जो है वो 15% ही एप्लीकेबल टैक्स रेट है, लेकिन नॉन फाइलर होने की सूरत में डबल टैक्स आपसे कलेक्ट किया जा सकता है। अगर आपकी कोई कमीशन इनकम आ रही है, फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस एजेंट हैं या और किसी तरह के जो मोबाइल टॉपअप के इस तरह के जो दूसरी एक्टिविटीज़ पे आपको कमीशन मिलता है, उस केस में भी जो टैक्स रेट है 12%, 8% या 15% जो सेगमेंट के लिए एप्लीकेबल है, वो डबल हो जाता है। तो इट्स बेटर कि आप फाइलर रहें, क्योंकि उस केस में आपने कोई एडिशनल टैक्स पे नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ एट द एंड ऑफ द ईयर आपने अपने जो भी इनकम प्रोसीड्स हैं उसका एक डिक्लेरेशन FBR के पोर्टल के अंदर सबमिट करना होता है टू रिमेन एन एक्टिव टैक्स फाइलर। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे कि हु इज़ रिक्वायर्ड टू फाइल टैक्स रिटर्न, यानी कि क्या आपने जितनी बेस्ड ऑन योर टैक्सेबल इनकम आपको रिटर्न फाइल करना है अपना या नहीं करना है। तो इस हवाले से गवर्नमेंट ने दो डिस्टिंक्ट कैटेगरीज बनाई हुई हैं टैक्स फाइलिंग के स्केड्यूल में, एक है सैलरीड इंडिविजुअल्स और एक है नॉन सैलरीड इंडिविजुअल। अगर आपकी टोटल जो साल की इनकम है सैलरी इनकम, वो आपकी टोटल इनकम का 75% से ज़्यादा है सैलरी इनकम, तो फिर आप सैलरीड इंडिविजुअल कंसीडर होंगे। और अगर आपकी जो टोटल इनकम में सैलरी है या बिल्कुल भी नहीं है,
75% से कम है या बिल्कुल भी सैलरी नहीं है, तो फिर उस केस में आप नॉन सैलरीड इंडिविजुअल कंसिडर होंगे। तो सैलरीड इंडिविजुअल के केस में जो थ्रेशोल्ड है टैक्सेबल लिमिट का, वो है 6 लाख रुपये का। यानी कि अगर आपकी पूरे साल की सैलरी 6 लाख रुपये या उससे ज़्यादा है, यानी मंथली 50,000 रुपीज़, तो फिर आपको टैक्स रिटर्न फाइल करना लाजमी है। और उस केस में चांसेस यही हैं कि आपके एम्प्लॉयर ने भी कुछ ना कुछ अमाउंट आपका सैलरी स्लिप में डिडक्ट कर लिया होगा। लेकिन इन केस अगर नहीं भी किया है, और या फॉर एग्जांपल आपके मल्टीपल सोर्सेज से सैलरीज आ रही हैं और कंबाइंड लेवल पर आप उससे ज़्यादा हो जाते हैं, तो फिर भी आपने रिटर्न फाइल करना है। नॉन सैलरीड इंडिविजुअल केस में या बिजनेस इंडिविजुअल्स के केस में स्पेशली, अगर आपकी पूरे साल की इनकम 4 लाख या उससे ज़्यादा है, तो फिर आपने रिटर्न फाइल करना है। उस केस में फिर आपने बताना है कि जी आपका कितना बिजनेस वॉल्यूम था, उसमें से कितने एक्सपेंसेस हुए और नेट बेसिस पे आपके कितनी आमदनी है। तो जो नेट इनकम है आपकी, अगर वो 4 लाख से ज़्यादा है, तो फिर उस केस में आपको रिटर्न फाइल करना लाजमी है। अच्छा, इसी तरह जो दूसरा क्राइटेरिया है वो एसेट बेस्ड क्राइटेरिया है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके नाम पर 1,000 cc या उससे ज़्यादा की कैपेसिटी की गाड़ी है, तो फिर आपने रिटर्न फाइल करना है। या फिर अगर आपके पास अर्बन एरिया में किसी भी साइज़ का फ्लैट हो या 500 गज़ या उससे ज़्यादा का प्रॉपर्टी हो, प्लॉट हो या प्रॉपर्टी हो, तो फिर भी आपने टैक्स रिटर्न फाइल करना है। तो अगर बेशक आपके नाम पर कोई आप टैक्सेबल इनकम की वजह से, कोई आमदनी की वजह से कोई अट्रैक्ट नहीं करते वो प्रोविज़न के, आपने रिटर्न फाइल करना है। लेकिन इनमें से अगर कोई एसेट भी आप ओन करते हैं, आपके नाम पे रजिस्टर्ड है, या इवन जो हमारे यहाँ अक्सर होता है कि हाउसवाइफ के नाम पे ये इस तरह की प्रॉपर्टीज़ ली जाती हैं, तो उस केस में भी जो है आपने रिटर्न फाइल करना है। अच्छा, इसमें जो अभी हमने कुछ बातें डिस्कस की, उसमें एक एक्सेप्शन जो है वो ये है कि अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, तो उस केस में जो है वो आपके ऊपर एसेट बेस्ड क्राइटेरिया नहीं लगता है। यानी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज आर नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल टैक्स रिटर्न अगर उनके पास गाड़ी या घर वाली कंडीशन मीट होती है। उन्हें टैक्स रिटर्न सिर्फ उसी केस में फाइल करना है अगर उन्होंने जो है वो कोई पाकिस्तानी सोर्स इनकम ड्राइव किया, यानी कोई ऐसी सोर्स जो टैक्सेबल थी और उस पर टैक्स पे हुआ है या पेएबल है, तो फिर उस केस में उन्होंने वो टैक्स रिटर्न फाइल करना है। अगर उसमें भी अगर कोई वो थ्रेशोल्ड लिमिट से नीचे है, फॉर एग्जांपल उनकी कोई प्रॉपर्टी से रेंटल आ रहा है लेकिन वो 4 लाख से नीचे है, तो फिर उस केस में उन्हें भी टैक्स रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर उनके यहाँ पर कुछ गवर्नमेंट सेविंग्स में पैसे पड़े हुए हैं जिस पर टैक्स कट रहा है, और एज नॉन फाइलर वो डबल टैक्स पे कर रहे हैं, तो इट्स एडवाइजेबल कि वो फिर फाइलर बन जाएं। और फिर उस केस में भी जो है वो जब रिटर्न फाइल करें, तो उनके लिए एक लॉ ने एक और रिलैक्सेशन दी है कि वो उनको नॉन रेजिडेंट्स को, यानी कि जिनका पाकिस्तान में आउट ऑफ 365 डेज 182 डेज से कम स्टे हो, तो फिर उस केस में उन्हें ऑप्शनल है कि वो अपनी वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करें। क्योंकि वेल्थ के केस में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है, बिकॉज आपके एसेट्स का जो फ्लो है बिटवीन पाकिस्तान और जो ओवरसीज़ वो हो रहा होता है। तो उस केस में आपके लिए एक रिलैक्सेशन ये है कि ये ऑप्शनल है कि आप अपने वेल्थ स्टेटमेंट फाइल ना करें, और सिर्फ इनकम स्टेटमेंट के जो इनकम आपकी पाकिस्तान में जनरेट हुई है, आपकी ओवरसीज़ इनकम भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम का डिक्लेरेशन दें, और उस पर जो टैक्स पेएबल है या टैक्स कट चुका है उसके हवाले से उसको डिस्क्लोज कर दें। अच्छा जी, अब लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि अब आपने अगर फाइल करना है तो फिर वो कैसे फ़ाइल किया जाए। उस हवाले से बहुत सारे सवाल हमारे पास भी आते हैं, और उसका मेरा हमेशा यही होता है रिस्पॉन्स कि वो डिपेंड करेगा कि आपकी आमदनी या आपकी जो एसेट क्लासेस है उसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या है। अगर आप बेसिक सैलरीड इंडिविजुअल हैं या बहुत ही नॉमिनल किस्म की कोई आपकी इनकम सोर्सेज हैं जिस पे कोई सिग्निफिकेंट एसेट बेस भी नहीं है, तो फिर इसके लिए जो है FBR के अपने सॉफ्टवेयर में एक आसान टैक्स के नाम से एक एप्लीकेशन, एक मॉड्यूल है जिसमें आप बहुत आसानी से एक दफ़ा वंस आपने NTN बना लिया है तो फिर आप अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। लेकिन वो उस केस में एडवाइजेबल नहीं है कि अगर आपकी इनकम सोर्स बहुत सिग्निफिकेंट है, अगर आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा है और उस सैलरी से आपने कुछ एसेट बेस भी डेवलप किए हैं, या अगर आपकी ड्यूरिंग द ईयर आपके एसेट्स में कोई मूवमेंट हुई है या कोई ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी ट्रांजेक्शंस हुई हैं, तो उस केस में फिर मेरी एडवाइस आपको यही होगी कि आप किसी टैक्स कंसल्टेंट से रابطہ करें, किसी टैक्स कंसल्टेंट से मशवरा ले लें, या अगर आप समझते हैं कि आपके इर्द गिर्द आपके कोई फ्रेंड्स कॉलीग्स में कोई ऐसा है जो आपको इस हवाले से स्पेसिफिकली गाइड कर सकता है, तो फिर उससे मशवरा लेकर ही, उससे गाइडेंस लेकर ही आप फाइल करें। और अगर आप किसी टैक्स कंसल्टेंट को भी इंगेज करना चाहते हैं, तो उसमें भी मेरी रिकमेंडेशन यही होगी कि आप एटलीस्ट ये मेक श्योर करें कि वो या तो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होल्डर हैं या फिर उन्होंने रजिस्टर्ड टैक्स प्रैक्टिशनर का लाइसेंस लिया हुआ है, ताकि जब आप फाइल करें तो उसमें कोई ऐसी ओमिशंस ना हो जो आपको बाद में किसी भी किस्म की दुश्वारी का सामना उसकी वजह से आपको करना पड़े। अच्छा, इस हवाले से एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि फॉर एग्जांपल पिछली वीडियोस में भी हमने मेंशन किया था कि कुछ डिजिटली अवेलेबल सॉल्यूशंस हैं या कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं जो आपको कॉस्ट सेव कर सकती हैं। तो बिकॉज ऑफ द डिजिटल एज बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशंस भी अवेलेबल हैं जो आप रिमोटली भी उनके साथ कंसल्ट करके उनसे कंसल्टेशन ले सकते हैं, और उसमें फ़ायदा ये होता है कि इन पर्सन कंसल्टेशन की जो एक्स्ट्रा कॉस्ट होती है वो आप सेव कर लेते हैं, क्योंकि ना आपने उससे जाके पर्सनली उसका टाइम उसको यूटिलाइज़ करना है और ना उसके लिए एक
कंसल्टेंट के लिए भी कोई बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट एक्सरसाइज इसमें नहीं इन्वॉल्व होती है, तो उस केस में एक चांसेस ये हैं कि आपको एक रीजनेबल कॉस्ट के अंदर एक अच्छा सोल्यूशन भी अवेलेबल हो सकता है। तो आइडिया इसके अगर आपकी कॉम्प्लिकेशंस इन्वॉल्व हैं तो डू इंगेज अ कंसल्टेंट या एटलीस्ट किसी से जो यू थिंक इज़ प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट, उसे एडवाइस लेकर ही, गाइडेंस लेकर ही अपना टैक्स रिटर्न फाइल करें। जो एग्जिस्टिंग फाइलर्स हैं, कभी कभार ये होता है कि FBR की तरफ से कभी नोटिस आ जाता है, तो उसमें मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि उस नोटिस को लाइटली ना लें, क्योंकि कभी कभार उसमें सिर्फ सेक्शन के रेफरेंसेज होते हैं और हमें उसका पूरा कॉन्टेक्स्ट नहीं पता होता है। तो बेहतर ये है कि उसको किसी न किसी जो आपके कोई कंसल्टेंट हैं या कोई ऐसे लोग हैं जो आप समझते हैं कि इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो उनकी कंसल्टेशन के साथ उसको एड्रेस ज़रूर करें। एटलीस्ट मेक श्योर कर लें कि उसमें कोई ऐसे सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशन नहीं है कि अगर आप उसको रिस्पॉन्ड नहीं करते, क्योंकि कुछ मैं नोटिस सिर्फ ऐसे होते हैं कि अगर वो आप पे एप्लीकेबल है तो कंप्लाई कर दें, अदरवाइज इग्नोर कर दें। लेकिन इट्स इंपॉर्टेंट कि आपको उसकी इम्प्लीकेशन पता हो बिफोर यू टेक अ डिसीजन टू इग्नोर इट। तो अब हमने इस पूरी वीडियो में सबसे पहले इस बारे में बात की कि बेनिफिट्स ऑफ टैक्स फाइलिंग क्या हैं, क्यों आपको अगर एडवांस टैक्स कट रहा है या उसके हवाले से कुछ ट्रांजैक्शंस पे आपकी टैक्स कलेक्शन एट सोर्स हो रही है तो वो आप उसी सूरत में एडजस्ट कर सकते हैं जब आप फाइलर हों, या फिर आपके अगर नॉन फाइलर होने की सूरत में कुछ एक्टिविटीज़ पे डबल टैक्स लग रहा है तो उस सूरत में भी आपके लिए एडवाइजेबल है कि आप टैक्स फाइलर रहें ताकि आप वो टैक्स सेव कर सकें। नंबर टू पे फिर हमने बात की कि हु इज़ रिक्वायर्ड टू फाइल टैक्स रिटर्न, उसके इसमें हमने इनकम क्लास और एसेट क्लास के डिस्टिंक्शन के बारे में बात की, और फिर हमने ओवरसीज़ पाकिस्तानी के वाले से बात की, और फिर आखिर में हमने ये बात की कि अगर आपने टैक्स रिटर्न फाइल करना है तो फिर अगर सिंप्लीफाइड है तो फिर आप आसान टैक्स यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप जो है किसी प्रोफेशनली क्वालिफाइड टैक्स कंसल्टेंट की मदद लें, या आपके इर्द गिर्द अगर आपके कोई फ्रेंड्स वगैरह हैं जो आप समझते हैं कि इस हवाले से आपकी हेल्प कर सकते हैं, या फिर जो डिजिटली अवेलेबल सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं उसके थ्रू जो है आप टैक्स फाइलिंग करवा सकते हैं। उसमें बॉटम लाइन ये है कि अगर आपने टैक्स रिटर्न फाइल करना है तो फिर यू मस्ट ट्राई कि आप अपना टैक्स रिटर्न जो है टाइमली फाइल कर दें, ताकि किसी भी सूरत में नॉन कंप्लायंस की सूरत में कोई फ्यूचर में आपको कोई पीनल कॉन्सिक्वेंसेज या अदरवाइज किसी और दुश्वारी का सामना ना हो। थैंक यू।